नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पेलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा 11 में हिंदी साहित्य की कक्षा लेंगे और हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पूर्व में कबीर जी का जो जीवन परिचय है वो पढ़ चुके थे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दो पद संकलित किए गए हैं उन दो पदों की व्याख्या करेंगे। तो जो दो पद हैं उन दोनों पदों में जो पहला पद है, पहले पद में कबीर दास जी ने हिंदू मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो आडंबर है, जो दिखावे हैं, उन दिखावों के प्रति क्या किया है, व्यंग्य किया है, उनका विरोध करते हैं, उन पर कड़ा प्रहार करते हैं। और जो दूसरा पद है, इस दूसरे पद में कबीर दास जी ने स्वयं को प्रियतमा के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में प्रस्तुत करते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की गई है। इस संपूर्ण पद में स्वयं को आत्मा माना है और वो आत्मा क्या है, पत्नी है। किसकी? उस परमात्मा की। वो परमात्मा उनका पति है। उससे मिलन की आकांक्षा, मिलन की विरह वेदना जो है वो दूसरे पद में क्या है, कबीरदास जी ने प्रकट की है। तो हम सबसे पहले हमारा जो पहला पद है जिसमें हिंदू मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ अंधविश्वास है उन पर जो व्यंग्य किया गया है उनकी हम बात करते हैं। अरे इन दोहन राह न पाई इन अरे इन दोन अरे अरे इन दोनों ने दोहन मैंने दोनों ने राह न पाई राह मैंने रास्ता मार्ग नहीं पाया। देखो कबीरदास जी क्या है, संत है, धार्मिक संत, तो वो उस ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की बात करते हैं कि इन दोनों, ये दोनों कौन है, तो ये हमने पहले ही बता दिया कि हम अब हिंदू और मुस्लिम की बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी और मुस्लिम धर्म के दोनों जो अनुयायी हैं इन दोनों ने मार्ग को प्राप्त नहीं किया। परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है उससे वे अलग हैं, भिन्न हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी, कह हिंदू अपनी करे बड़ाई ये गागर छोन दई, बड़ाई है यहाँ पर न कि बड़ाई, ठीक है। बड़ाई का मतलब प्रशंसा करना, क्या करना, प्रशंसा। हिंदू धर्म के जो लोग हैं बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़े अपने धर्म की क्या करते हैं, अभिमान करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, परंतु कहते हैं कि गागर मैंने जो मटका होता है, जो घड़ा होता है मिट्टी का, छुअन मैंने छूने नहीं देते। किसे? क्या का हिंदू धर्म में ऊंच नीच की जाति का जो वर्ण विभाजन कर रखा है, वर्ग विभाजन कर रखा है, कि हिंदू अपने आप में ऐसे तो बड़ी प्रशंसा करते हैं परंतु उन्होंने ऊंच नीच की जो जाति बना करके छूत अछूत का जो भेदभाव पैदा किया है वो भेदभाव में क्या आता है कि वे लोग अपने घर में किसी छूत अछूत व्यक्ति के गागर छूने पर क्या करते हैं, मनाही लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं। ऐसे क्या है, ये हिंदू धर्म के लोगों के धर्म की क्या है, प्रशंसा है। और कहते हैं वेश्या के पायंकर, वेश्या किसे कहते हैं, वेश्या कहते हैं जो अपने तन का व्यापार करती है। पायन तर का मतलब पैरों के तल पर या पैरों के नीचे सोए मैंने सोते हैं, ये देखो हिंदुआई। क्या एक तरफ तो अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ अछूत जाति के लोगों को गागर छूने नहीं देते, मटका छूने नहीं देते, और उसी तरफ देखो वेश्या के पास चले जाएंगे जो देह का व्यापार करती है, उस स्त्री के पास जाते हैं, उस स्त्री के पैरों में बैठे रहते हैं, उस स्त्री के साथ सोते हैं। यह क्या है, इस हिंदू धर्म की हिंदुआई है कि वर्ण से तो स्वयं को उच्च मानते हैं, कर्म उनका निम्न है, वर्ण से उच्च मानते हैं परंतु अछूत को क्या मानते हैं, स्पर्श योग्य नहीं मानते। ये जो भेद कर रखा है, ये जो दिखावा कर रखा है, ये दिखावा, ये जो कुरीति है, इसका विरोध यहाँ पर कौन कर रहे हैं, कबीरदास जी। मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। अब क्या कहते हैं, पीर ओलिया मुसलमान के क्या का मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्मों के जो धर्मगुरु होते हैं, जो पीर होते हैं, जो उनके संत होते हैं, वो कौन हैं, वो पीर ओलिया हैं। और अपने आप को क्या बताते हैं, धर्मगुरु बताते हैं, धर्म के अनुसार चलने वाले, कुरान के क्या ज्ञाता बताते हैं, अपने शिष्यों को मार्ग बताते हैं, परंतु मुर्गी मुर्गा खाई और उसके बाद
मुर्गा और मुर्गी को उस जीव को मार करके क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उसे खाते हैं। तो कैसा ये धर्म है कि जो एक तरफ धर्म की बात करता है, दूसरी तरफ वहीं जीव हत्या करके उसको खाता है। आगे कहते हैं, खाला केरी बेटी ब्याए गरमी गरही में करे सगाई। खाला किसे कहते हैं? खाला कहते हैं मौसी को। क्या? खाला केरी बेटी ब्याई, खाला के घर में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, गरही में करे सगाई, घर के अंदर ही सगाई कर देते हैं। अर्थात मुस्लिम धर्म में सिर्फ अपनी माता की संतान को छोड़ करके अन्य जो भी होती है संतान होती है, बुआ की हो, मौसी की हो, उसके बेटे या बेटी से, बेटी या बेटी की शादी तय कर दी जाती है, सगाई तय कर दी जाती है, रिश्ता तय कर दिया जाता है। तब कहते हैं कि घर के अंदर ही घर में शादी कर लेते हैं कौन? ये मुसलमान के लोग। क्या? कि इन ये इस धर्म में अपने घर में ही अपनी क्या कर ली जाती है, शादी कर ली जाती है। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। और क्या करते हैं? बाहर से एक मुर्दा अर्थात मरा हुआ जीव लेके आते हैं, जैसे कि इनके ईद पर बकरा काटा जाता है। तो कहते हैं कि उस ईद अपने घर में मुर्दे को लाते हैं, धोए धाए मतलब धो धोकर चढ़वाई, अर्थात उसकी पूजा भी वो करते हैं और सब बैठ करके खाते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी, जेवन मैंने खाने के लिए बैठी, खाने के लिए बैठी, और सारी सखियां अर्थात सभी लोग क्या करते हैं, घर में बैठ करके जीमते हैं, उसे खाते हैं, घर भर करे बढ़ाई। और क्या करती हैं? प्रशंसा भी करती हैं कि कितना अच्छा व्यंजन बना था, कितना स्वादिष्ट व्यंजन है। आगे कहते हैं, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। क्या इस प्रकार ये जो दो इनकी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, जीव हत्या जो है, वो सब क्या हैं? निम्न कुरीतियाँ हैं, नीच स्तर के कर्म हैं। तो इस प्रकार हिंदुन की हिंदुआई भी मैंने देखी, तुर्कन की तुर्काई अर्थात मुसलमान की, तुर्कन मैंने मुसलमानों की भी मैंने क्या करी, तुर्काई अर्थात उनका धर्म देख लिया। कहे कबीर सुनो भी साधो, कौन राह वे जाई, कौन ऐसे राह पर जाएगा। कबीर दास जी ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं कि अब तुम ही बताओ ईश्वर प्राप्ति का, इन दोनों ने जो मार्ग बताया है किस राह पर चला जाए। तो भाई कबीर दास जी क्या कहते हैं कि इस राह पर चलने पर क्या होगा, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हमारा जो दूसरा पद है, बालम आओ हमारे गेह। बालम किसे कहते हैं? बालम कहते हैं प्रियतम को। किसे कहते हैं? प्रियतम को। हमारे गेह मतलब हमारे घर पर आओ। तुम बिन दुखिया देह रे, दुखिया मैंने दुखी है, देह मैंने यह शरीर। क्या? कबीरदास जी स्वयं को आत्मा और उस वो जो आत्मा है उस परमात्मा की पत्नी है, परमात्मा उनका पति है। तो वो कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना ये शरीर दुखा जा रहा है, तुम्हारे बिना क्या है यह संसार बड़ा दुख दे है। तो कहते हैं कि तुम हमारे घर आ जाओ, हे प्रियतम, हे परमात्मा, क्या करो मेरे घर आओ। अब कहते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, नारी किसे कहते हैं? स्त्री को कहते हैं। स्त्री किसे कहते हैं? पत्नी को कहा गया है। क्या इस संसार के जितने भी लोग हैं वो क्या कहते हैं? मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं। एक तो होता है कबीरदास जी द्वारा स्वयं को क्या करना, उस परमात्मा की पत्नी स्वीकार करना, परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के जो लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारा वो परमात्मा कहाँ है। तो अब तो संसार के लोग भी क्या कहने लगे हैं कि मुझे तुम्हारी पत्नी कहने लग गए हैं, स्त्री कहने लगे हैं। मोको लगत लाज रे, अब मुझे इस संसार में लाज मैंने लज्जा लगती है, मुझे इस संसार में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, स्नेह मैंने प्रेम। कहते जब तुम अभी तक, जब तुमने मुझे अभी दिल में अर्थात मुझे हृदय में दर्शन ही नहीं दिए हैं,
पति के रूप में दर्शन ही नहीं मिले तो मुझे बताओ तब तुम्हारा मुझसे स्नेह कैसा है, तब मैं तुमसे प्रेम कैसे करती हूँ या तुम मुझसे प्रेम कैसे करते हो, इस बात को बताया। कहते हैं इसलिए तुम एक बार क्या करो, मेरे घर आओ, मुझे दर्शन दो। घर का मतलब हृदय में आने से है, हृदय में परमात्मा के दर्शन से है। अन्न न भावे नींद न आवे गृह बन धरे न धीर। अन्न न भावे, क्या अन्न भाने का मतलब अच्छा लगना, क्या अब मुझे तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। नींद न आवे, मुझे नींद भी नहीं आती है, किस लिए कि परमात्मा से अलग हो चुकी है, परमात्मा के वियोग में वो तड़पती है आत्मा। तो कहते हैं ग्रह बन धरे न धीर, धीर मैंने धैर्य, ग्रह मैंने घर, वन मैंने वन जिसे हम कहते हैं जंगल, चाहे जंगल में चले जाओ चाहे घर में रहो, कहीं भी बैठ जाऊं मुझे तो धैर्य धारण नहीं होता, मुझसे तो धीरता धारण नहीं होती है। कहते हैं कामिन को है बालम प्यारा, कामिन मैंने जो कामी स्त्री होती है उसको कौन बालम मैंने प्रियतम ही प्यारा होता है। कैसे जो प्यासे को नीर, नीर मैंने पानी, जैसे प्यासे को क्या है पानी प्यारा होता है, वैसे ही कामी स्त्री अर्थात जो पत्नी होती है, प्रेमिका जो होती है, कामी स्त्री यहाँ पर हम प्रेमिका अर्थ भी लेंगे, क्या लेंगे प्रेमिका, जो प्रेमिका होती है उसको जैसे अपना प्रियतम प्यारा होता है, वैसे ही क्या है जैसे प्यासे को पानी प्यारा होता है वैसे ही प्रेमिका को प्रियतम प्यारा है। है कोई ऐसा पर उपकारी, पर उपकारी का मतलब जो परोपकारी हो, जो दूसरों का भला करने वाला है, क्या कोई इस संसार में ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों का भला करता है, वो क्या कहे पीवसो, पीवसो का मतलब प्रिय से कहे सुनाए, क्या पीव से जाकर के ये कह दे कि तुम्हारे वियोग के कारण वो जो कबीर है, वो जो आत्मा है, वो जो पत्नी है तुम्हारी, वह क्या है बेचैन हो रही है, विरह की पीड़ा में तड़प रही है, अब तो बेहाल कबीर भयो है। अब कहते हैं बेहाल, बेहाल मतलब जिसका हाल अच्छा नहीं है, अब तो क्या है बेहाल हो गया हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि बिन देखे जीव जाए रे, जीव मैंने ये जीवन नष्ट हो रहा है, ये जो प्राण है उस परमात्मा से मिले बिना ही क्या है जा रहे हैं, अर्थात क्या कहते हैं कि अब तो उस परमात्मा को बिना देखे ही जाने की स्थिति लग रही है, क्यों कि अब तो इस शरीर का ऐसा हाल नहीं कि उस परमात्मा से मिलन का इंतजार किया जाए। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी स्वयं को आत्मा और परमात्मा को, स्वयं को आत्मा और अब वो जो आत्मा है वो पत्नी रूप में है, और वो जो परमात्मा है उसे प्रियतम पति के रूप में मानती हुई कहती हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पति के उस प्रियतम परमात्मा के दर्शन कर सकती हूँ, और बिना देखे ही मुझे इस संसार से प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो कोई ऐसा उपकारी हो जो उसे जाकर उस परमात्मा को जाकर कह दे कि उससे मिलन कर ले, उससे एक बार दर्शन दे दे। तो इस प्रकार इन दोनों पदों में दो अलग अलग भाव लेकर के कबीरदास जी ने पदों की रचना की। तो अब इसका जो सामान्य सा हम थोड़ी सी भाषा संबंधी जो परिचय है, जो कला पक्ष संबंधी परिचय है उसको भी देख लें। तो सबसे पहले हम देखें तो भाषा की बात करते हैं, तो इसकी जो पद की भाषा है वो पद की भाषा कौन सी है, सदुकड़ी भाषा है। दूसरी हम बात करें तो छंद कौन सा है, तो छंद है पद छंद है, कौन सा छंद है पद छंद है। और इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है कि इस ये गेयता है अर्थात गेय युक्त है। इस पद की विशेषता और कौन सी है, इस पद की विशेषता है कि यह संगीतात्मकता इनमें, अर्थात जब गाया जाएगा तो संगीतात्मक होगा। यह कौन सा काव्य है, तो ये गीति काव्य है, क्यों गाया जाने वाला है। इसके साथ में इसमें जो अलंकार है वो भी हम देखें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ओ अब अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर एक ही वर्ण की क्या होती है पुनरावृत्ति होती है। दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वो होता है जहाँ पर समान वर्ण दो बार आए, जैसे
अब यहाँ पर एक पंक्ति है, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर। इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है, कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। और ये संपूर्ण जो दूसरा ये जो पद है बालम आओ हमरे गे, इस पद में संपूर्ण में क्या है? रूप दिया दिया है, इसलिए इसमें सांग रूपक है। कौन सा है? सांग रूपक अलंकार है, ठीक है। इस प्रकार ये इसकी क्या है? कला पक्ष संबंधी कुछ विशेषताएं थी। तो इस प्रकार ये जो हमारा जो पहला पाठ है कबीर, यह क्या होता है? पूरा होता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।